Hello dear students, I am Sapna Balara. Today we will do another poem of our book, Kali Sarkar, that is The Kite. Kite सबने उड़ाई होगी, बहुत अच्छा लगता है. कुछ ऐसे भी होंगे जिसने कभी kite नहीं उड़ाई होगी, लेकिन उड़ाना सब चाहते हैं. कुछ ऐसे होंगे जिसने kite उड़ाई होगी तो बहुत ऊँचा तक गई होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसके kite इतनी ऊँचाई पर नहीं पहुँच पाए जितना ऊँचा. कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं. काइट कैसी है, हवा कैसी चल रही है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी काइट कितना ऊंचा जाए. आपको से इसे चलानी आती है कि नहीं आती, उड़ानी आती है कि नहीं आती, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी काइट कितनी ऊपर तक जाएगी. ये पोएम भी काइट के बारे में है, कैसे एक नई काइट कितनी सुंदर लगती है, कैसे वो लहरों ऐसे लगता है जैसे लहरों पे सवार, हवा की लहरों पे सवार होकर के ऊपर जाती है, खूब ऊपर जाती है. जब हवा रुक जाती है तो ढीली पड़ जाती है, फिर हवा चलती है तो फिर से ऊपर चली जाती है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम द काइट. हाई हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. कितनी सुंदर लगती है नीले आकाश में जब वो काइट उड़ती है, कितना सुंदर लगता है. जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई बर्ड उड़ रही हो हवा में, तो ऐसे ही वो काइट लगती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैट्स इट्स टेल. वो कभी गोता मारती है, कभी डुबकी मारती है, और जब वो ऐसा करती है तो अपनी टेल को एक झटका देती है. जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है तो उस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसा करते हुए वो अपनी जो टेल होती है, पूछ जो होती है उसकी, उसको एक झटका सा मारती है. स्नैप्स होता है झटका मारना. देन सोर्स लाइक ए शिप, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे शिप में से आवाज आती है, शिप दहाड़ता है, वैसे ही वो भी आवाज कर रही है. विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स, वो जैसे शिप लहरों पे ट्रेवलिंग करता है, जाता है कहीं पे, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे वो हवा की लहरों पे इधर उधर ट्रेवलिंग कर रही है. ऑफ विंड इट्स राइड, हवा के सवारी करती है. क्लाइम टू द क्रस्ट, क्रस्ट होता है यहाँ पे, क्रस्ट का मतलब है चोटी. वो चोटी तक यानी बहुत ऊंचाई तक जाती है. ऑफ ए गस्ट एंड पुल, और जब वो ऐसा करती है तो कभी तो वो अपने आप को झकोर देती है, हिलती है, और कभी ऐसा लगता है खींचते हैं, होते हैं ना कई बार आप ढील देते हो, कई बार आप उसको खींचते हो ताकि वो और ऊपर जाए. पहले आप उसको ढील देते हो, बहुत काफी देर तक आप उसको ढील देते हो, फिर उसके बाद आप उसको खींचना शुरू करते हो, तो जैसे आप ऐसा करते हो तो वो और ऊंचा जाती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसी हवा रुक जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो काइट रेस्ट करने लग गई है. व्हेन स्ट्रिंग गोस स्लैक, और उसके बाद जब वो जो मांझा होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब है मांझा, जो वो मांझा जो वो ढीला पड़ता है, यू विंड इज इट बैक, तब विंड वापिस आ जाती है और वो उसको टाइट करने लग जाता है. एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोस, आप भी ऐसे हो गए जब हवा नहीं चलती तो आप खुद दौड़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि जब दौड़ते हैं तो आपके ऊपर हवा लगती है, तो जब हवा नहीं होती तो आपने खुद दौड़ना शुरू कर दिया उस काइट को लेकर के, तो वो धीरे धीरे वो हवा के साथ में फिर ऊपर उठना शुरू कर देती है. A new breeze blows and its wings fill up and up it goes, और दोबारा से उसके विंग्स में हवा भर जाती है और वो उड़ना शुरू कर देती है. How bright on the blue is a kite when it's new, कितनी सुंदर लगती है नीले आकाश में जो कोई नई पतंग उड़ती है. But a rugged thing you never will see, पर एक भद्दी चीज तुम कभी नहीं देखोगे, क्या, when it flaps on a string in the top of a tree, कोई नहीं देखना चाहता जब वो जो पतंग है, जो काइट है, वो किसी पेड़ के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में अटक जाती है. होता है ना कई बार कोई काट देता है आपकी पतंग को, तब कई बार उसका जो मांझा है वो टूट जाता है. ऐसे में जो होता है तो वो टूट करके कहीं ना कहीं, या फिर आपके स्ट्रिंग के साथ में भी कई बार वो किसी चीज में उलझ जाती है, तब वो गंदी चीज कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि सब चाहते हैं उनकी जो काइट है वो हमेशा ऊपर ही ऊपर उड़ती रहे. ऐसे ही आप लोगों से भी उम्मीद की जाती है कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप हमेशा ऊंचाइयों को छुओ.
हमेशा आपको खुशियां मिले, और आप भी यही चाहते हो बिना कोई प्रॉब्लम के आप ऊपर उठते चले जाओ, तो ये काइट हमें यहाँ पे एक मैसेज भी दे रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पोयम। नाउ यू मस्ट राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड इन योर नोटबुक्स एंड आई विल गिव यू अनदर वर्क टुमारो। थैंक यू।